इससे पिछले लेक्चर में हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस को स्टडी किया। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 6.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर वन इज राइट द फर्स्ट फोर टर्म्स of following arithmetic progression. इसमें पहला जो पार्ट है उसमें गिवन है a1 इज इक्वल टू 5 एंड 3 कंजेक्टिव टर्म्स आर 23, 26 एंड 29। ये चीजें हमें गिवन हैं और हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस की जो पहली चार टर्म्स हैं वो लिखनी है। अब जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि अरिथमेटिक सीक्वेंस की हमारे पास जो जनरल टर्म या nth टर्म है उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हमने पिछले लेक्चर में डिराइव भी किया था, आप इसको याद भी कर सकते हैं, आसान सा फॉर्मूला है। जब भी अरिथमेटिक सीक्वेंस का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अब इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम किसी भी सीक्वेंस अरिथमेटिक सीक्वेंस की कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। हम सिंपली एन की जगह पे वो वैल्यू पुट कर देंगे, लेकिन हमें ए वन और डी का पता होना चाहिए। ए वन जो है वो किसी भी अरिथमेटिक सीक्वेंस में पहली टर्म होती है और डी जो है ये कंजेक्टिव टर्म्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो होता है। अब इस स्टेटमेंट में हमें a1 तो गिवन है लेकिन d गिवन नहीं है, साथ हमें कंजेक्टिव टर्म्स का तो पता है, तो उन कंजेक्टिव टर्म्स में से हम d को फाइंड कर सकते हैं। d इज इक्वल टू 26 माइनस 23 और इट इज इक्वल टू 29 माइनस 26, क्योंकि कॉमन डिफरेंस जो है अरिथमेटिक सीक्वेंस में वो हमारे पास होता है कि डिफरेंस ऑफ ए टर्म एंड द टर्म प्रीवियस फ्रॉम इट। तो 26 और 23 का डिफरेंस या 29 और 26 का जो डिफरेंस है वो हमारे पास कॉमन डिफरेंस है, तो ये हमारे पास आ गया 3। अब हमारे पास a1 भी है d भी है, तो हम इस सीक्वेंस की 4 टर्म्स जो हैं वो लिख सकते हैं। a1 तो हमारे पास आ गई 5, a2 इस फॉर्मूला में जहां जहां पे n है वहां वहां पे हम 2 पुट कर देंगे, तो a2 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस a1 की जगह पे 5 आ गया, n की जगह पे 2 माइनस 1 इंटू डी, तो d की जगह पे 3, तो ये हो गया 5 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 8। जब हमने थर्ड टर्म फाइंड करनी है तो n की जगह पे 3 पुट कर देंगे, a1 की जगह पे 5 प्लस 3 माइनस 1 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 5 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 11। और फोर्थ टर्म फाइंड करना है तो इसी फॉर्मूला में n की जगह पे 4 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 4 माइनस 1 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 5 प्लस 9 विच इज 14। तो हमने इस सीक्वेंस की
जो पहली चार टर्म्स हैं वो फाइंड कर ली। तो सीक्वेंस हमारे पास बन गया 5, 8, 11 एंड 14। इसके तीन पार्ट्स हैं, एक चीज मैंने आपको कर दिया है, बाकी दोनों जो हैं वो आप खुद कर लेंगे। कोई भी टर्म अरिथमेटिक सीक्वेंस में फाइंड करना हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो जनरल टर्म का है, ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। लेकिन हमें ए वन और डी का पता होना चाहिए। ए वन हमारे पास पहली टर्म है और डी जो है वो दो कंजेक्टिव टर्म्स के दरमियान डिफरेंस है। अगर ये हमें गिवन नहीं होंगे तो कोई और डाटा गिवन होगा जिससे हम इनको फाइंड कर सकते हैं। तो बाकी दोनों जो पार्ट्स हैं उनको आप खुद करेंगे, आप उनमें ए वन और डी फाइंड करके बाकी सिंपली एन की वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो आपके पास टर्म्स आती जाएंगी। नेक्स्ट इज दी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज इफ फिफ्थ टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 16 एंड द 20th टर्म इज 46, व्हाट इज इट्स 12th टर्म? एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसकी फिफ्थ टर्म जो है वो 16 है, 20th टर्म जो है वो 46 है, और हमने उसकी 12th टर्म जो है वो फाइंड करना है। ए फाइव इज 16 एंड ए 20 इज इक्वल टू 46, ए 12 जो है वो हमने फाइंड करना है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमने कोई भी टर्म फाइंड करना होगी तो हम जनरल टर्म वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। लेकिन पहले हमें ए वन और डी का पता होना चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास ना तो ए वन गिवन है और ना ही डिफरेंस डी गिवन है, हम फाइंड कर सकते हैं कैसे। अब आप देखें कि इस ए फाइव इज इक्वल टू 16, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, ए वन प्लस 4d, यही फॉर्मूला यूज करते हुए ए वन प्लस 4d इज इक्वल टू 16, और साथ हमें 20th टर्म बता दी गई है, 20 इज इक्वल टू 46, यही फॉर्मूला यूज करते हुए इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, ए वन प्लस 19d इज इक्वल टू 46। अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं और हम यहां से ए वन और डी की जो वैल्यू है वो फाइंड कर सकते हैं। अगर हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दें कि ए वन प्लस 19d इज इक्वल टू 46 माइनस ए वन प्लस 4d इज इक्वल टू 16, जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये ए वन से कैंसिल हो जाएगा, तो 19 माइनस 4 15d इज इक्वल टू 46 माइनस 16 30, और d इज इक्वल टू 2। हमारे पास d की वैल्यू आ गई। अब हम इन दोनों इक्वेशन में कहीं पे भी d की वैल्यू पुट करके a1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं।
a1 plus 4d is equal to 16, a1 plus 4 into d की जगह पे 2 पुट कर देंगे इज इक्वल टू 16, एंड a1 इज इक्वल टू 16 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 8। अब हमारे पास a1 भी आ गया, d भी आ गया, तो हम अब कोई भी टर्म जो है वो इस सीक्वेंस की फाइंड कर सकते हैं। हमने फाइंड करनी है 12th टर्म। जनरल टर्म का फार्मूला हमारे पास है an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 12th टर्म फाइंड करनी है तो n की जगह पे हम 12 पुट कर देंगे। a12 इज इक्वल टू a1 की वैल्यू हमारे पास है 8 प्लस 12 माइनस 1 इंटू 11, डी हमारे पास है 2, तो ये हमारे पास हो जाएगा 8 प्लस 22 विच इज इक्वल टू 30। सो द 12th टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज 30। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक अरिथमेटिक सीक्वेंस की 5th टर्म और 20th टर्म दी गई थी और हमें कहा गया था कि इसकी 12th टर्म जो है उसको फाइंड करें। तो हमने वही जनरल टर्म वाला फॉर्मूला यूज किया, ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। लेकिन हमें ए वन और डी का नहीं पता था, टर्म्स हमारे पास थी तो उनसे हमने ए वन और डी की वैल्यू फाइंड कर ली और उसके बाद उन वैल्यूज को इस जनरल टर्म वाले फॉर्मूला में पुट किया और साथ एन की जगह पे 12 पुट किया, तो हमारे पास 12th टर्म की जो वैल्यू है वो आ गई। देन द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड 13th टर्म ऑफ सीक्वेंस एक्स 1 2 माइनस एक्स 3 माइनस 2 एक्स एंड सो ऑन। हमारे पास एक सीक्वेंस दिया गया है और इस सीक्वेंस की हमने 13th टर्म जो है वो फाइंड करना है। ये हमारे पास एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है, एक्स 1 2 माइनस एक्स 3 माइनस 2 एक्स, ये हमारे पास सीक्वेंस है और हमने 13 टर्म फाइंड करना है। हम फॉर्मूला वही यूज करेंगे जनरल टर्म वाला, ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए वन हमारे पास गिवन है, जो फर्स्ट टर्म है किसी भी सीक्वेंस की वो ए वन होगी, और डी हमने फाइंड करना है। डी हमारे पास डिफरेंस होता है टू कंजेक्टिव टर्म्स का, तो हम फाइंड कर लेते हैं। डी हमारे पास आ जाएगा ए टू माइनस ए वन, तो वो हो जाएगा 1 माइनस एक्स। अब हमारे पास डिफरेंस भी आ गया, फर्स्ट टर्म भी हमारे पास है, तो हम 13th टर्म जो है वो फाइंड कर सकते हैं। सिंपली इस फॉर्मूला में एन की जगह पे 13 पुट कर देंगे तो हमारे पास 13th टर्म आ जाएगी। ए 13 इज इक्वल टू ए वन हमारे पास है एक्स प्लस एन की जगह पे 13 पुट करेंगे, 13 माइनस वन इंटू डी, डी की जगह पे 1 माइनस एक्स पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स प्लस 12 इंटू 1 माइनस एक्स। सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 12 माइनस 12x। हमारे पास आंसर आ जाएगा 12 माइनस 11x। ये बिल्कुल उसी क्वेश्चन की तरह है जिस तरीके के हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, लेकिन इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो सारे सेम टाइप के हैं, यही फॉर्मूला यूज हो रहा है, लेकिन उसमें कभी हमें कहा जाएगा कि हम
नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करें यानी कि एन फाइंड करें, कभी हमें कहा जाएगा कोई स्पेसिफिक टर्म फाइंड करें, कभी हमें कहा जाएगा कि सीक्वेंस फाइंड करें। जब भी हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम सबसे पहला स्टेप ये फॉर्मूला लिख लेंगे, उसके बाद जो जो चीज़ें दी गई होंगी वो हम लिख लेंगे और जो नहीं दी गई होंगी वो हम फाइंड कर सकते हैं, हमें कोई डाटा दिया गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उनसे आपको इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो और क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 इज विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 5 to -1 up to so on इज -85। क्वेश्चन हमारे पास यह है कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है 5 to -1 up to so on और इसकी कौन सी टर्म जो है वो हमारे पास -85 होगी। वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक्चुअली हमने एन फाइंड करना है कि हमारे पास -85 के लिए एन की क्या वैल्यू होगी। तो ए वन हमारे पास गिवन है, ए वन इज 5, डी हम फाइंड कर सकते हैं, डी इज इक्वल टू 2 - 5 विच इज इक्वल टू -3। अब हमने फाइंड करनी है वैल्यू एन की और हमें टर्म बता दी उसने कि -85 के लिए जब हमारे पास ए एन जो है उसकी वैल्यू -85 होगी तो उस वक्त एन की क्या वैल्यू होगी। हम बाकी वैल्यूज पुट कर देंगे और एन की वैल्यू फाइंड कर देंगे। ए वन हमारे पास है 5 + n-1 × d हमारे पास है -3। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 - 3n + 3 = -85 और -85 = 8 - 3n और 3n = 8 + 85 3n = 93 और n = 31। इट मीन्स दैट के जो हमारे पास 31st टर्म होगी उसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास -85 होगी। तो इसका आंसर है 31st टर्म। क्वेश्चन हमारे पास था कि इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म जो है वो -85 होगी। हमने वही फॉर्मूला यूज किया और उस फॉर्मूला से हमने n की जो वैल्यू है वो फाइंड की, क्योंकि हमारे पास a n तो उसने दे दी है जो कि -85 है और उसके लिए हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने a1 और d की वैल्यू पुट की तो हमारे पास n की वैल्यू आ गई। इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 6.2 के पहले 6 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 7 जो है बिल्कुल इसी तरीके का है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बाकी 7 क्वेश्चंस जो हैं उनको सॉल्व करेंगे और इस में हमने नोट किया इस लेक्चर में कि जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें ये फॉर्मूला यूज हो रहा है, ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और इसको यूज करते हुए हमने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया और इस एक्सरसाइज के बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो भी इसी को यूज करते हुए सॉल्व होंगे।